अस्सलाम वालेकुम जनाब, यहाँ कोविड के हवाले से सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जो ख़बरें हैं वो गर्दिश में हैं, और अभी जो हालिया कोविड की सिचुएशन है सऊदी अरब में वो मैं आपसे शेयर करूँगी। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँगी कि कौन सी डेडलाइन दी गई है कोविड की वैक्सीन के हवाले से। गुज़श्त 24 घंटों के दौरान मुमलिकत में कोरोना वायरस किसे के 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की तादाद तो बहुत कम हो गई है, लेकिन रिपोर्ट होना कम या ख़त्म नहीं हुआ है। 24 केसेस भी मजीद रिपोर्ट हुए हैं, और इस दौरान ये में दो अमवात भी रिकॉर्ड हुई हैं। कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद वबा से मुतासर होने वालों की जो मजमूई तादाद है सऊदी अरब में वो 5,49,810 को पहुँच गई है। दुनिया भर में कोरोना की जो नई किस्म है ओमिक्रोन, उसके आने की वजह से उसके पेश नज़र जो सऊदी वजारत दाखिला है उसने एक अहम कदम उठा लिया है। उसने कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि तवक्कलना पर आपका स्टेटस इम्यून या मौसम रहे तो 8 माह गुजरने के बाद के अंदर अंदर, यानी 6 माह गुजरने के बाद तो आपको बूस्टर डोज ले लेनी चाहिए, लेकिन 8 माह तक आपका स्टेटस रहेगा। 2 महीने का आपको ग्रेस पीरियड दिया गया है, आप ले लें, वरना आपका वो स्टेटस बरकरार नहीं रहेगा। और ये पाबंदी जनाब उन्होंने जो है 1 फरवरी से लगा देनी है। 1 फरवरी के बाद बूस्टर डोज लाजमी करार दी गई है 18 बरस से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए।